हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि होगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हमारे बुक के अंदर दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमारे को कौन कौन सी चीज़ों को कवर अप करना है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट में क्या गिवन है। जैसे कि आप लोगों के एक टॉपिक आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, यूक्लिड डिविजन लेमा जो कि कट चुका है, लेकिन मैं फिर भी लास्ट के अंदर क्या करूँगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत उसका एक ओवरव्यू दे दूंगा कि भाई ये क्या था, जो कि अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके बाद में हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में समझेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पहले सीखने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, साथ के साथ हम कॉन्सेप्ट के साथ ही हम उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे भी हम सोल्व कर लेंगे। जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथ में सोल्व कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या पहले के टाइम पे आए हुए वो सारे के सारे सोल्व करके देख लिए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ करते जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ में, और एनसीईआरटी को भी हम इसी में इंक्लूड करके कवर अप करेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि हमने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्व नहीं किए हैं या फिर एनसीईआरटी हमारी सोल्व नहीं हुए। तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि आप लोगों को अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं, जिससे कि आपको लास्ट टाइम जब एग्जाम होगा तो उसके अंदर हमारे को बहुत लंबा चौड़ा अगर लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, अलग अलग किताबों में से जाके पढ़ोगे तो आप लोग कंक्लूड नहीं कर पाओगे, जल्दी से रिवीजन नहीं कर पाओगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लोगे तो 2 या 3 कॉपीज के अंदर पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आ जाएगी, जिससे कि बाद में क्या होगा कि उनको आप एक दिन के अंदर भी 2 या 3 बार रिवाइज कर सकते हो, और उनको बार बार आप लोगों को रिवाइज करना है तभी आप लोग अच्छे से पेपर के अंदर स्कोर कर पाओगे। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे को एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में आप लोगों के मेनली 3 या 4 टॉपिक्स हैं। एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हो, जिसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह आपने पढ़ा होगा। फिर हम लोग इसमें HCF, LCM और उनके बीच में रिलेशन और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद में हम लोग इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज जानेंगे और इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करना सीखेंगे कि इरेशनल नंबर क्यों होते हैं, ये प्रूफ करना। ये हमारे चैप्टर के जो टॉपिक्स है जो मैंने आप लोगों को बता दिए। लेकिन इससे पहले कुछ छोटी छोटी ऐसी डेफिनेशंस है जो कि बीच बीच में यूज होती है, जो अगर आप लोगों को नहीं आएगी तो आप लोगों को मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे और उसके अंदर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को ये बोरिंग लगे कि ये तो आप हमारे को 5th लेवल 6th लेवल की चीज़ पढ़ा रहे हो, लेकिन आप लोगों को बस जल्दी से पढ़ना है और अच्छे से नोट कर लेना है। 1-2 पेज के अंदर पूरे के पूरे बेसिक्स को हम कोशिश करेंगे कवर अप करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों वाला सवाल है कि डिजिट्स क्या होते हैं, इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि जितनी हमारी इंग्लिश है पूरी की पूरी वो अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी है, पूरी की पूरी हिंदी हमारी वर्णमाला से मिलकर बनी है, कैसे ज्ञानी तक। और उसी तरीके से जो मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे 0 to 9 तक के सिंबल से मिलकर बने होते हैं। इन 0 से 9 तक के जो सिंबल्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं सिंबल्स को डिजिट्स बोला जाता है। ये आप बचपन से सीखते हुए आए हो, कुछ अलग चीज़ नहीं है। अब इन सिंबल्स को जब अरेंज किया जाता है, यानी इन डिजिट्स को जब अरेंज किया जाता है तो हमारे नंबर्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है 2457, तो ये पूरा एक नंबर है, लेकिन इसके अंदर 2, 4, 5 और 7 ये 4 हमने क्या यूज करें, ये वाले डिजिट्स हमने यूज किए। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आप लोगों को पूरी की पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रख सकते हो क्योंकि आप लोगों ने 9th में भी नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा होगा जहाँ आपके टीचर ने बताया होगा, लेकिन अगर नहीं बताया तो फिर भी ध्यान रखना। हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 तक के टोटल 10 डिजिट्स को हम यूज करते हैं। इसलिए हमारे वाले नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, डेसी का मतलब होता है 10। तो ऐसा कोई नंबर सिस्टम जिसके अंदर 10 डिजिट्स को यूज किया जाता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या इसके अलावा भी कोई टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, कि हाँ, अगर आप कंप्यूटर वगैरह की बात करोगे तो कंप्यूटर के अंदर हम लोग 0-1 की लैंग्वेज पढ़ते हैं ओनली, तो वहाँ पे केवल 2 ही डिजिट्स यूज करते हैं। तो उन 2 डिजिट्स वाले नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर याद रहे तो कोई, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है
जिसके अंदर ओनली टू डिजिट्स यूज किए जाते हैं, कौन से, 0 और 1, जिनको बिट्स बोला जाता है। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अगर कंप्यूटर वगैरह आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा तो, या अगर आप लोगों के कंप्यूटर की बुक चलती होगी तो उसमें भी बाइनरी नंबर सिस्टम का जिक्र कहीं ना कहीं किया गया होगा। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखते हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, ये भी आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ रखे होंगे कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। आप लोगों ने पढ़े भले ही होंगे, लेकिन मैं अभी देखना इसके एक एप्लीकेशन बताऊंगा कि जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा इसको हम 10th लेवल पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखो, फेस वैल्यू का मतलब होता है जो भी डिजिट लिखा हुआ है, यानी कि डिजिट इटसेल्फ क्या कहलाएगा, उसकी फेस वैल्यू कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 5421, यानी कि 5421। अब इसमें ऐसे पूछ लिया, बताओ इस 5 की क्या, बताओ प्लेस फेस वैल्यू बताओ, तो 5 की प्लेस फेस वैल्यू क्या होगी, वो डिजिट होगा वही उसकी फेस वैल्यू होगी। उसी तरीके से ऐसे अगर मान लो कि 2 की फेस वैल्यू पूछ ली तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, यानी जो डिजिट होता है वही उसकी फेस वैल्यू कहलाता है। इसके बाद में प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस डिसाइड होती है, यानी कि अगर वंस प्लेस पे होगा तो क्या होगी, टेंस प्लेस पे होगा तो क्या होगी, तो प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होगा उसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड की जाती है। मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि 5421, ये हमारा एक नंबर है, इस नंबर के अंदर 4 डिजिट्स यूज हुए हैं, कौन कौन से, 1, 2, 4 और 5, ये हमने 4 डिजिट्स यूज किए। मैं इधर राइट टू लेफ्ट इनको लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डिजिट्स लिख लिए 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5। अब इनके प्लेस कौन से हैं, जो 1 आ रहा है वंस प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पे आ रहा है, 4 आ रहा है हंड्रेड्स प्लेस पे, 5 आ रहा है थाउजेंड्स प्लेस पे। अब हमें निकालना है इनकी प्लेस वैल्यूज, तो प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस डिसाइड होती है। तो वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू अगर निकालनी है तो उस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, टेंस वाले प्लेस की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है हमारे को तो डिजिट को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 20 आ गई। ऐसे ही हंड्रेड्स प्लेस की अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 400 हमारी क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। ऐसे ही थाउजेंड्स वाले डिजिट की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो डिजिट को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 5000 इसकी क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये बचपन में बहुत बार पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेस में आता था और इसी के मार्क्स मिलते थे वहाँ पे, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें आती थी, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ लगती होंगी, लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही आसान चीज़ें। अब एक बिल्कुल फर्जी सा सवाल है, वो हम करके देखते हैं। देखो, जब मैं फर्जी बोलूँ तो समझ जाओ कि बहुत आसान सवाल है, ये ध्यान रखना। फाइंड द सम, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि भाई सम फाइंड करना है और हमारे को डिफरेंस फाइंड करना है, किसका, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। हमारे को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सम और डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, किसका, 7 का, एक डिजिट दे रखा है 7, किस नंबर में, इस नंबर में, यानी कि इस नंबर में ये जो 7 वाला डिजिट गिवन है हमें, इस डिजिट के जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होगी हमारी, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू जो है, इनका हमारे को सम भी निकालना है, डिफरेंस। पहले तो समझ लेते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितनी होगी, तो 7 कौन से प्लेस पे आ रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा होगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स प्लेस पे, तो वो कितनी हो जाएगी, 7 × 100, यानी कि 7000 इसकी क्या आ गई, प्लेस वैल्यू आ गई। अगर बात करें फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू ऑफ 7, तो मैंने अभी अभी बताया कि जो डिजिट होगा वो खुद ही क्या कहलाएगा, उसकी फेस वैल्यू कहलाएगा, तो 7 की फेस वैल्यू 7 होगी। अब हमें अगर इसका क्या निकालना है, सम, तो 7000 के अंदर हमें 7 को ऐड कर देना है, तो 7007 हमारा फाइनल क्या हो गया, सम वाला आंसर आ गया। अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो लार्जर नंबर में से, यानी कि जो कि कौन सा है, 7000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्मॉलर नंबर को, तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6993, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये आसान सा सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दो इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी आप याद रख सकते हो, ध्यान से समझना। मैंने एक एग्जांपल लिया है 457, यहाँ पे ये वाला डिजिट आप लोगों को दिख रहा होगा 7, जो कि वंस डिजिट है। इस वंस डिजिट की हम दोनों वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो वो डिजिट ही होगा, 7 ही होगा। अब वंस डिजिट की अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, 7 × 1 = 7। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने वंस डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड कर लिए। अब एक चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस करी कि दोनों वैल्यू सेम ही आ रही है, यानी कि फेस वैल्यू भी 7 है, प्लेस वैल्यू भी 7 है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो वंस डिजिट होता है
वंस डिजिट जो होगा उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो वंस प्लेस पे अगर कोई डिजिट आ रहा है तो उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होगी। तो कभी अगर फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू से रिलेटेड चीजें आए तो ये नोट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब अगला सवाल करते हैं। तो देखो पहले एग्जाम्पल समझाते तो फिर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि मैंने एक बड़ा सा नंबर लिया है, यहाँ पे मैंने ये बीच में एक जीरो ले लिया है। जीरो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मैंने जीरो वाले डिजिट को पिक कर लिया। अब इस जीरो वाले डिजिट की फेस वैल्यू निकालो तो जो डिजिट होगा वही उसकी क्या होगी, फेस वैल्यू। तो जीरो की फेस वैल्यू हमें पता चल गई जीरो। अगर इसकी प्लेस वैल्यू निकालें तो जीरो मल्टीप्लाई कौन से प्लेस पे, वंस टेंस हंड्रेड्स हंड्रेड। और अगर जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। तो यहाँ भी आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी भी प्लेस पे जीरो आ रहा है तो हम उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो दोनों जीरो ही आएगी। तो यही नोट दे रखा है। देखो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो, ये हमेशा क्या होगी, जीरो आएगी, चाहे ऐसे किसी भी प्लेस पे हमारे को दे रखा हो। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक और टॉपिक है जिसके ऊपर फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मैं एक सवाल करके बताऊंगा, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। ये भी आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि जब भी कभी, जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ, 2439 हमारा एक नंबर है। इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 9 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हमने नंबर को एक्सपेंड करके लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये इनकी प्लेस वैल्यूज है, इसके डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज को अगर ऐड कर दोगे तो हमारा नंबर बन के आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज, किसी भी नंबर के अंदर प्लेस वैल्यूज का जो सम आएगा वो वापस से क्या बना देता है, नंबर को हमारे लिए बना देगा। तो ये जो एक्सपेंड करके लिखा है हमने, प्लेस वैल्यूज के सम के फॉर्म में लिखा है, इसी को क्या बोला जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म बोला जाता है। आई होप ये चीज़ अच्छे से आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। इसको आप एक या दो पेजेस के अंदर जितना आसान, मतलब जितना शॉर्ट में लिख सको उतने लिख सकते हो, जिससे कि आप लोगों को याद रहेगा कि भाई हमने कभी बचपन में सारी चीज़ें सीखी थी। हो सकता है कि कुछ बच्चों के छोटी क्लासेस के अंदर अच्छे से डाउट्स क्लियर नहीं हो या अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो उनको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब वो क्वेश्चन में यूज करता है तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया, हम तो टेंथ में पढ़ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट रटने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप लोगों को याद रहेगी तो आप लोग जल्दी से सवाल को समझ पाओगे और आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे इससे एक्सपेंडेड फॉर्म से रिलेटेड हम लोग एक दो सवाल करके देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म के ऊपर दो सवाल करके देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक्चुअली आप जब थर्ड चैप्टर पढ़ोगे जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल वाला, तो वहाँ पे वो आप लोगों को दो तीन टाइप के सवाल बोलेगा कि दो डिजिट का कोई नंबर सोचो जिसके डिजिट्स को रिवर्स करने पर ये बन जाएगा, वो इतने टाइम्स होता है, इस टाइप के अगर कभी सवाल आ जाए तो दो डिजिट का तो कोई सा भी नंबर हो सकता है, 10 से लेकर 99 तक। अब हमें कौन सा सोचना है, हम कैसे सोचेंगे, तो उस टाइम पे एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज बहुत जरूरी होगा। तो देखो जैसे कि दो डिजिट का नंबर है, तो मान लो कि दो डिजिट का नंबर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये एक वंस डिजिट है वाई और एक टेंस डिजिट है कितना एक्स। अब हमारे को क्या करना है, ये तो दिखने में ऐसा लगेगा वो नंबर, लेकिन एग्जैक्टली वो नंबर लिखा कैसे जाएगा, वो नंबर कितना होगा हमें पता चलेगा ऐसे। तो वंस डिजिट y है, टेंस डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 10 से। तो हम बोलेंगे कि वो जो नंबर होगा हमारा वो क्या होगा, 10x प्लस y। तो जब कभी भी दो डिजिट का कोई नंबर सोचना पड़े तो हम लोग 10x प्लस y लिखेंगे। अब सवाल वो क्या करेगा, बोलेगा कि उन डिजिट्स को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करने के बाद में अब वंस डिजिट तो x बन चुका है और टेंस डिजिट क्या हो चुका है, y हो चुका है। तो अब हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस x। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। इस तरीके से जैसे अगर कभी तीन डिजिट का नंबर सोचने को लिए बोले, तो हम बोल सकते हैं कि तीन डिजिट का नंबर कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स वाई जेड। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो एक्चुअली नंबर कितना होगा, 100x प्लस 10y प्लस जेड। तो ये जो आएगा वो हमारा नंबर होगा। फिर आगे जाके कोई इक्वेशन वगैरह बनेगी उसको वो क्वेश्चन में यूज करके हमारे से सोल्व करवाएगा। तो इक्वेशन बनानी हमें आनी चाहिए, उसके लिए हमने देखो एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज किया है। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और सवाल करते हैं जो कि 8th क्लास की बुक अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है, तो प्लेइंग विद नंबर्स नाम का एक लास्ट चैप्टर था,
उस चैप्टर के अंदर दो तीन पजल्स दे रखी थी। पजल्स कुछ इस टाइप की थी कि दो डिजिट का नंबर सोचो, नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करो, दोनों को ऐड करो और फिर 11 से डिवाइड करो, तो सामने वाला फिर आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर बता देता था। अब आप लोगों को मे भी शायद लगा हो कि यार कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ जादू दिखा दिया। वो कोई जादू नहीं होता है, वो पूरी मैथमेटिक्स होती है जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म पे बेस्ड होती है। वो देखो मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करके बताओ। प्रूव दैट द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स को रिवर्स करने पे जो नंबर मिलेगा और ओरिजिनल जो नंबर होगा दो डिजिट का, उन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल होगा और एग्जैक्ट आंसर भी हमें पता चल जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी सम ऑफ डिजिट्स। जो भी डिजिट्स आप सोचोगे उनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा जो डिजिट्स हमने सोचा है, उन दोनों का सम होगा। तो देखो एक मैं एग्जाम्पल लेता जाता हूँ साथ के साथ और एक मैं उसको प्रूफ करके भी बताता जाता हूँ। जैसे मान लो कि हमने एक नंबर सोच लिया ए बी, दो डिजिट का नंबर है, वंस डिजिट बी है और टेंथ डिजिट ए है, तो एक्चुअली नंबर कितना होगा, अगर नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो नंबर होगा हमारा 10a प्लस बी। भाई 10th डिजिट को ऐसे मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया लास्ट स्लाइड पे मैंने बताया, और बी वंस डिजिट पे, इसलिए बी ऐसे कैसे लिख दिया। अब रिवर्स करने पे क्या बनेगा, ये नंबर बी ए बन जाएगा, वंस डिजिट 10th पे चला गया, 10th वाला वंस पे आ गया, तो इसको अब हम क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में 10b प्लस ए, फिर से वही काम किया, 10th वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और वंस वाला डिजिट ऐसे कैसे लिख दिया। फिर उसने बोला कि इनका सम करो, यानी कि हमें इन दोनों को ऐड करना है नंबर्स को, तो देखो 10b प्लस बी ऐड करेंगे और 10a प्लस ए ऐड करेंगे, तो 10a प्लस ए कितना हो जाएगा 11a हो जाएगा और 10b प्लस बी कितना हो जाएगा 11b हो जाएगा। इन दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी ब्रैकेट में बच गया। अब उसने क्या बोला है कि 11 से डिवाइड करना है, तो हम 11 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 11 से डिवाइड करेंगे 11 से 11 कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या आने वाला है ए प्लस बी, यानी जो भी नंबर हमने सोचा है उस नंबर के डिजिट्स का सम ही हमारा आंसर आने वाला है। एक सोच के देख लेते हैं, जैसे कि रेंडमली मैंने नंबर सोच लिया 43, अब 43 का रिवर्स करूंगा तो 34 हो जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा 77 होगा, 77 को मुझे 11 से डिवाइड करना है 7 आएगा, 7 देखो यही है इन दोनों डिजिट्स यानी 3 प्लस 4 का जो सम आएगा वही हमारा क्या आ रहा है 7 आ रहा है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो एक्सपेंडेड फॉर्म को किस तरीके से यूज कर सकता है, तो इसलिए आप लोगों को पता होगा पहले से, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन में अगर इसको यूज कर लेगा तो आप लोग अच्छे से सोल्व कर पाओगे। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, अगर कोई इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहता है तो वो स्किप कर सकता है। मेरा तो मानना यही है कि आप लोग एक बार इसको जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए और केवल नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, कभी यूज हो तो आप लोगों को पता होगा तो आसानी से यूज कर पाओगे। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के नंबर्स होते हैं, एक एक करके हमें पढ़ना है, साथ के साथ उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी हम कवरअप करते जाएंगे। तो जैसे देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स, और सबसे पहले टाइप के नंबर हमें जो पढ़ने हैं वो है नेचुरल नंबर्स, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती है 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक जो जाते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी डेस्ट आगे तक एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे तक चलते जाएंगे। ये नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं, जिनको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अब नेचुरल नंबर्स से ही कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स बनाए जाते हैं, तो जिसमें सबसे पहले टाइप के नंबर हमें पढ़ने हैं वो है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन इस चैप्टर में प्राइम नंबर्स बार बार यूज होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोट है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा दिया। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, वो नंबर्स जो कि या तो एक से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, यानी कि एक के और खुद के अलावा अगर किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है कोई भी नेचुरल नंबर, ध्यान रखना नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, जो कि ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, या तो एक से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 के अंदर या तो एक का डिवाइड होगा या 2 का, 3 के अंदर 1 और 3 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। रैंडमली जैसे मैंने यहाँ पे 13 ले लिया, तो 13 में 1 और 13 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो हम बोल देंगे 13 एक प्राइम नंबर होगा।
अब दूसरी लैंग्वेज इसकी ये भी हो सकती है कि जो नंबर केवल दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, वन से और खुद से, तो वो नंबर हम बोल सकते हैं कि उसके केवल दो फैक्टर्स पॉसिबल है, या तो वन हो सकते हैं उसके फैक्टर्स या खुद हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं प्राइम नंबर्स को एक दूसरी लैंग्वेज में कि ऐसे नंबर जो क्या होते हैं एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं उनके, जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो वन और एक इटसेल्फ यानी खुद। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, ऐसे नेचुरल नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को पहले से भी पता होगी और अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये आपके प्रोबेबिलिटी में भी बार बार यूज होंगे, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। कम से कम 100 तक के प्राइम नंबर्स तो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि हमारे 100 तक आते हैं, ये भी आप लोग याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं इनको एक बार सारे टाइप के नंबर्स को जल्दी से एक एक स्लाइड पे पूरे के पूरे लिख दूंगा, जिससे कि आप लोग जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आसानी हो जाएगी। तो देखो ये वो नंबर्स है जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स है, एक तो कौन, वन है, और एक इटसेल्फ है। तो इसलिए इन नंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम नंबर्स बोल रहे हैं। अब प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नोट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अभी मैं बताऊंगा, एक आपके 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई 2020 के अंदर, वो एग्जैक्टली देखना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान लो आप लोगों ने प्राइम नंबर्स कभी स्कूल के अंदर पढ़े ही नहीं, वैसे तो पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, अगर मान लो कि आप लोगों ने जल्दी जल्दी कि अच्छा ये तो हमें आता है, और उसने एक छोटा सा घुमा के सवाल पूछ लिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फालतू के अंदर एक या दो नंबर का जो सवाल है वो आसान सवाल छूट जाएगा, या फिर आप लोग उसको गलत करके आओगे जिससे कि मार्क्स कट जाएंगे। तो देखो छोटे छोटे वो क्या है नोट, वन को प्राइम नंबर नहीं माना जाता, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब कोई कारण पूछ ले, तो मैंने बताया कि प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक ठीक दो फैक्टर होंगे, दो से कम भी नहीं, दो से ज्यादा भी नहीं, लेकिन वन का तो एक ही फैक्टर पॉसिबल है, वन, तो इसके एग्जैक्टली टू फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि वन एक प्राइम नंबर नहीं है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज, अब देखो जितने भी प्राइम नंबर आप लोगों को दिख रहे होंगे उसमें सबसे छोटा कौन है, टू है, साफ साफ दिख रहा है। एक चीज और आप ध्यान से देखो, बाकी के जितने भी प्राइम नंबर्स दिख रहे होंगे ये सारे के सारे ओड है, यानी कि दो से डिविजिबल नहीं है, लेकिन दो इकलौता यानी कि एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि दो से डिविजिबल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, टू इज द स्मॉलेस्ट, सबसे पहले बताओ सबसे छोटा, और दूसरा है ओनली इवन प्राइम नंबर, अकेला ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है और इवन भी है और सबसे छोटा है। आई होप ये चीज़ आप लोग याद रखोगे, डायरेक्ट एक नंबर में फिल इन द ब्लैंक टाइप से, इस टाइप से, या फिर एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखो बाकी के जितने भी है वो सारे ओड है, अब ओड में सबसे छोटा कौन है, तीन है, बाकी के सारे ओड है, तो ओड में सबसे छोटा तीन हो गया, तो हम बोलेंगे थ्री इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर कौन सा है, तीन है। आई होप ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखना दो इंपॉर्टेंट नोट है, अगर कभी प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालना पड़े, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ये आप लोगों को वैसे तो आता होगा लेकिन इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। अगर दो नंबर्स का हमें क्या निकालना पड़े, प्राइम नंबर, दो तीन चार पाँच जितने भी हैं वो सारे प्राइम नंबर गिवन है, उनका एचसीएफ निकालना पड़े, उनका एचसीएफ हमेशा वन आएगा। ये हमेशा याद रखना है कि दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा वन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो कि दो आप लोगों को नंबर्स दे रखे हैं, प्राइम नंबर्स, ध्यान रखना प्राइम नंबर्स गिवन है ए और बी, अब इनका एलसीएम पूछ लिया, तो हमारे को बच्चों के जैसे इस तरीके से एलसीएम लेने नहीं बैठना है, ये नहीं करना है, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर दिखते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि एलसीएम निकालना है, अच्छा तो हमें दोनों नंबर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो वही हमारा क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, जैसे कि एचसीएफ हो 5 और 11, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अच्छा 5 और 11 क्या है, दोनों प्राइम है, तो सोचना ही नहीं है एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे एलसीएम निकालना है, तो दोनों प्राइम दिखते ही बिना सोचे समझे दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब थोड़ा बहुत तो सोचना है कि भाई क्या करना है, और मतलब कैलकुलेशन नहीं करे बिना हमारे को डायरेक्टली क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि प्राइम नंबर के ऊपर किस टाइप का एक सवाल बन सकता है, और फिर कंपोजिट नंबर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उससे रिलेटेड नोट को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर पे किस टाइप का सवाल बोर्ड के अंदर एक बार पूछा हुआ है। तो देखो बिल्कुल आसान सा एक सवाल पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर।
अभी अभी हमने पढ़ा है कि एक प्राइम नंबर के एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो वन होगा और या वो क्या होगा, खुद नंबर उसका एक फैक्टर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड 2020 के अंदर पूछा हुआ सवाल है। आई होप ये आसान सा सवाल आप लोगों ने आसानी से कर सकते हो अगर कभी पेपर के अंदर आए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही ये सवाल कर पाओगे। अदरवाइज हो सकता है कि आप लोगों को आउट ऑफ सिलेबस भी लगे कि यार ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं ये सवाल। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारे नेक्स्ट टाइप के नंबर्स को हम पढ़ते हैं, वो है कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है पहले ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया एक्जैक्टली जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वही लिख रखा है। देखो, प्राइम नंबर्स या तो वन से डिवाइड हो रहे थे या फिर खुद से डिवाइड हो रहे थे। कॉम्पोजिट नंबर्स उनके जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि वो नेचुरल नंबर्स, ध्यान रखना ये भी नेचुरल नंबर्स के ही टाइप्स हैं, वो नेचुरल नंबर्स जो एक के और खुद के अलावा किसी और से भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे कि फोर की बात करें तो फोर में वन का डिवाइड होगा, फोर का डिवाइड होगा, टू का भी तो होता है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर एक ऐसा नंबर है जो वन और खुद के अलावा किसी और यानी कि टू से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो फोर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि जो नंबर एक के और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। तो मैं पढ़ देता हूँ, दो नेचुरल नंबर्स विच आर ऑल्सो डिविजिबल बाय अदर देन वन एंड इट्सेल्फ, एक के और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए। अब देखो, अगर एक से और खुद से डिवाइड हो रहे थे तो दो ही फैक्टर होते थे, लेकिन वो किसी और से भी डिवाइड हो रहा है तो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तीन भी फैक्टर हो सकते हैं, चार भी, तो इनके क्या होंगे, या ऐसे नंबर्स जो दे हैव मोर देन टू फैक्टर, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो। फॉर एग्जाम्पल, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सारे नंबर्स को ध्यान से देखो, ये एक के और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड होंगे। जैसे 9 की बात करें तो 9, 1 और 9 के अलावा 3 से डिवाइड हो जाता है। 10 की बात करें, 1 और 10 के अलावा 2 से भी होता है और 5 से भी होता है। ऐसे कोई सा भी नंबर आप उठाओगे, इनके दो से ज़्यादा फैक्टर ही निकल के आएंगे। तो हम बोल सकते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर्स को, ऐसे नेचुरल नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसमें भी तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जिसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आता है, कैसे आएगा मैं आगे के लेक्चर्स के अंदर इसके ऊपर सवाल बना के बताऊंगा, और बोर्ड में आया हुआ है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। देखो, वन इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर, सिंपल सी बात है, वन का केवल एक ही फैक्टर हो सकता है वन, लेकिन यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि इनके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो वन का तो एक ही फैक्टर है, तो वन कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं होता है। ये चीज़ आ गई समझ में। अब देखो, वन ना तो प्राइम था ना ही कॉम्पोजिट था, तो हम क्या बोल सकते हैं, वन नीदर या नाइदर प्राइम, ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट, नोर ए कॉम्पोजिट नंबर। तो वन ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, देखो जितने भी कॉम्पोजिट नंबर लिखे हुए हैं इनमें सबसे छोटा कौन है, साफ साफ दिख रहा है चार है, तो हम अगला नोट ये होगा, फोर इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो, शुरू के तीनों कॉम्पोजिट नंबर जो आप लोग देख पा रहे होंगे तीनों के तीनों इवन है। सबसे पहली बार जो ओड आया वो 9 है, आगे भी आएगा 15 आएगा 21 आएगा, ये भी ओड है, लेकिन सबसे छोटा ओड कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 9। तो हम बोल सकते हैं कि 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कॉम्पोजिट नंबर, 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो ये दोनों नोट मैंने लिख दिया, 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कॉम्पोजिट नंबर। आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि यही नोट आपका पहला टॉपिक बनेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको मैं अगली स्लाइड पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस करें, हमें कैसे पता चला कंपोजिट नंबर है। एक तो तरीका है, डिवाइड कर करके देख लो, किसी एक के खुद के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए तो कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर लैंग्वेज में लिखना पड़े हमारे को तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना। मैं पहले आप लोगों को एक दो एग्जांपल करके बताता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। आप लोगों ने बचपन में इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा होगा, मैं 2 से डिवाइड करूंगा 18 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम, यानी 36 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 2 पावर 2 × 3 पावर 2। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इन तीनों को मैं कंक्लूड करके एक चीज़ निकाल के लाऊंगा, वो मैंने लिखी है। 100 की बात करें तो 100 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 5, यानी 2 पावर 2 × 5 पावर 2। ऐसे ही 120 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे
15 फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 यानी 2 पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन तीनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि एक के और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहे। इन कॉम्पोजिट नंबर्स को मैंने क्या किया है, कुछ नए तरीके से एक्सप्रेस किया है, और ये नया तरीका क्या है सुनना। मैंने कॉम्पोजिट नंबर को, ये दो और तीन जो कि प्राइम है, मैंने कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की एक्सपोनेंट्स या पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। देखो यहाँ भी प्राइम नंबर्स की पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, 2, 3, 5 तीनों प्राइम होते हैं पावर्स की फॉर्म में, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स की एक्सपोनेंट की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होगी जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो क्या है, नोट क्या है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर देखो सीबीएसई बोर्ड में एक सवाल पूछा हुआ, एक सवाल मैंने बनाया, तो वो हम लोग करके देखते हैं। देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो 200 है इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया, 2 to the power x एंड 5 to the power y। हमारे को किसकी वैल्यू बतानी है, x प्लस वाई, एक्स वाई यानी कि x मल्टीप्लाई वाई एंड x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो 200 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखा क्या होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 100, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो हम बोल सकते हैं 200 किसके बराबर आ रहा है, देखो 2 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 raised to power 3 एंड 5 2 टाइम आ रहा है 5 to the power 2। आई होप ये चीज समझ में आ गई हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 कितना दे रखा है, 2 to the power x मल्टीप्लाई 5 to the power y। तो हम बोल सकते हैं 2 power 3 मल्टीप्लाई 5 power 2, ये कितना होना चाहिए, 2 power x मल्टीप्लाई 5 power y। अगर दोनों आपस में बराबर है तो इनकी पावर्स इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये जो x है ये तो 3 होना चाहिए और y क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये वाला 5 to the power 2 5 to the power y दोनों इक्वल होंगे तभी तो दोनों साइड सेम होंगी। तो हमें x और y की वैल्यू तो पता चल गई। अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस वाई कितना होगा, 3 plus 2 यानी कि 5 हो गया। एक्स वाई कितना होगा, 3 multiplied 2 यानी कि 6 हो गया। और एक्स माइनस वाई कितना हो गया, 3 minus 2 यानी कि 1 हो गया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और देखो सीबीएसई बोर्ड 2016 के अंदर पूछा हुआ सवाल है, इतना बड़ा एक नंबर दे दिया। अब पहले बात तो इतने बड़े नंबर को हमारे को तो रीड करना भी नहीं आता, ट्रिलियन क्वाट्रिलियन पता नहीं कितना वो हो जाएगा, हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमें क्वेश्चन को समझ के जो पूछना चाह रहा है उसके ऊपर फोकस करना। उसने ये पूछा है क्यों, वाई इतना ये बड़ा नंबर है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। उसने खुद बोल दिया लेकिन क्यों है, हमने अभी अभी पढ़ा है कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करने का मतलब है हम अगर ऐसा प्रूफ कर दें कि किसी नंबर एक, किसी नंबर का एक के और खुद के अलावा कोई तीसरा भी फैक्टर हो रहा है, यानी कि वो जो नंबर गिवन है वो एक के और खुद के अलावा किसी तीसरे से भी क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो समझ जाओ कि वो नंबर कॉम्पोजिट है। अब ध्यान से देखो, ये इतना बड़ा नंबर है, सभी नंबर 1 से तो डिवाइड होते ही हैं यानी कि 1 से तो होगा ही, खुद का खुद के अंदर डिवाइड होता है ये तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आपने ध्यान से नोटिस किया तो इस नंबर के लास्ट में आ रहा है 5, और अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए तो समझ जाओ वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, किसी और से भी हो रहा होगा, हमें क्या लेना देना। हमें तो ये प्रूफ करना है कि वो नंबर एक के और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो गया क्या। अगर किसी और से डिवाइड हो गया तो ये नंबर क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। इसी को आपको लैंग्वेज में लिख देना है कि हेयर वी कैन से दैट दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 अदर देन 1 एंड इट्सेल्फ, बिकॉज द वंस डिजिट ऑफ द नंबर इज 5 और एवरी नंबर विच हैज वंस मतलब विच हैज 5 एट वंस डिजिट, यानी कि जिस नंबर के वंस डिजिट पे 5 आता है वो 5 से डिवाइड होता ही होता है। तो हम बोल सकते हैं
कि ये नंबर एक के खुद के और अलावा पांच से भी डिवाइड हो रहा है, तो अगर किसी और से भी डिवाइड हो जाए खुद के और एक के अलावा, तो समझ जाओ वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो लास्ट में लिखना हैंस दिस नंबर इज ए कॉम्पोजिट नंबर। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो छोटे छोटे टॉपिक्स भले ही हो लेकिन CBSE के अंदर इसके ऊपर भी सवाल पूछा हुआ है, तो अच्छे से इसके नोट्स के अंदर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कि एक नंबर के फैक्टर का क्या मतलब होता है और फिर फैक्टरी ट्री वगैरह क्या होते हैं, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चीज हम समझेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया फैक्टर ऑफ ए नंबर क्या होता है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लो कि मुझे बताना है 12 के फैक्टर्स बताओ, तो 12 के फैक्टर्स का मतलब हुआ कि 12 को मैं किस किस से डिवाइड कर सकता हूँ, वो सारे नंबर्स 12 के फैक्टर कहलाएंगे। तो 12 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से कर सकता हूँ, 4 से कर सकता हूँ, 6 से कर सकता हूँ, 12 से कर सकता हूँ। तो ये 6 नंबर्स वो है जिसको मैं 12 से डिवाइड कर सकता हूँ। सॉरी मैंने भाई 12 को डिवाइड करना है, तो 12 को किस किस से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इन 6 नंबर से कर सकता हूँ। तो हम बोल सकते हैं ये सारे 6 नंबर से क्या कहलाएंगे, 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो क्या होगा, ऑल दोज नंबर्स, वो सारे नंबर्स विच कैन डिवाइड, जो कि डिवाइड कर सकते हैं किसको, गिवन नंबर को। जैसे इस केस में 12 गिवन नंबर है, इस केस में 18 गिवन नंबर है, आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। तो उस गिवन नंबर के फैक्टर्स कहलाएंगे, करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 12 निकालना है, तो 12 को मैं किस किस से डिवाइड कर सकता हूँ, वो नंबर हमारे को पता करना है। 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से और 12 से। तो इन सभी नंबर से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सारे नंबर से क्या कहलाएंगे, 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ऐसे 18 की बात करें, 18 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड होता है 18, 3 की टेबल में भी आता है मतलब 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी डिवाइड होगा। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, 18 के फैक्टर्स कहलाएंगे। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के दो फैक्टर तो पक्के होंगे होंगे, एक से सारे नंबर डिवाइड होते हैं यानी कि 1 भी फैक्टर होगा और खुद तो होगा ही होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ ऑलवेज बी ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर। अगर कोई पूछे किसी क्वेश्चन के अंदर कि एक नंबर के फैक्टर बताओ, कोई दो फैक्टर बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक और खुद तो होगा ही होगा, उन दोनों का नाम ले दो, बाकी याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वैसे तो पता होने चाहिए, लेकिन वन और जो खुद नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, फैक्टर होगा। आई होप ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब सवाल कैसे आता है, सिंपल सा सवाल कैसे बन सकता है, क्वेश्चन में ऐसे पूछा फैक्टर्स ऑफ 16 नहीं पूछा, इस बार ध्यान रखना प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 पूछ लिया, यानी कि हम फैक्टर्स तो निकालते हैं उसमें भी प्राइम वाले ही बताने हमारे को, फैक्टर्स सारे नहीं बताने। तो सबसे पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे फिर प्राइम ढूंढेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 16 कौन से हैं, एक से डिवाइड हो रहा है, दो से हो रहा है, चार से हो रहा है, आठ से हो रहा है, 16 से हो रहा है, तो हमें तो प्राइम निकालना है, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ओनली कौन सा है, टू है, तो हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ टू, वो सॉरी 16 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ऐसे ही इस बार 24 के क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो हम लोग सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 24 कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 12 होगा, 24 होगा। ये वो नंबर्स है जो कि क्या होते हैं, 12 से डिवाइड मतलब सॉरी 24 को डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें तो प्राइम ढूंढना है, तो प्राइम वाले कौन से हैं, ओनली 2 और 3, यही प्राइम होते हैं, बाकी तो सारे क्या है, कॉम्पोजिट है, और 1 ना तो कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम है। तो हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 कौन कौन से होंगे, 2 और 3 होंगे। मैंने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया है, मतलब उनको एक्सपेंड करके नहीं लिखा, वो हम नेक्स्ट उस पर करेंगे। तो अगले टॉपिक का नाम हमारा यही है फैक्टर ट्री, जो कि आपने बचपन में कभी ना कभी 6th क्लास 5th क्लास के अंदर फैक्टर ट्री बनाने का सवाल आता है तो वहां सीखा होगा, नहीं सीखा कोई बात नहीं, यहां पे हम कर लेंगे। हमारे को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है फैक्टर ट्री की हेल्प से। फैक्टर ट्री कुछ अलग चीज नहीं है, जो नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हैं उसी को एक अलग तरीके से लिखने का तरीका है। जैसे कि 24 है, 24 का मुझे फैक्टराइजेशन करना है फैक्टर ट्री की हेल्प से, तो फैक्टर ट्री बाद में करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन तो करें। 2 से डिवाइड करेंगे, मिनिमम हमारे को क्या करना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर उठाना है।
अगर उससे नहीं हो रहा तो उससे अगले प्राइम नंबर से करना है, जैसे 2 से नहीं हो तो 3 से करके देखना है, 3 से नहीं हो तो 5 से करना है, 7 से करना है, 11 से, 13 से, तो प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके देखना है। 12 आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो मैंने 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, वो क्या बने, 2 × 2 × 2 × 3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2³ × 3। तो ये जो बना है ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा। प्राइम फैक्टराइजेशन, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ये आप बचपन से करते आए हो, ये जानते भी हो, इसी को आप नए तरीके से लिखना है। बस ये जो टू यहां लिखा है ना, उसको एक जैसे ट्री के अंदर क्या होती है, एक पूरा स्टेम है, उसके चारों तरफ ब्रांचेज निकली हुई है, ब्रांचेज में फिर से सब ब्रांचेज निकली हुई है, फिर लास्ट में लीफ है, तो ब्रांच के अंदर ब्रांच निकली होती है। तो हमारे को यहाँ पे भी एक चेन बनानी है, ए चेन ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स की एक चेन है जो कि एक ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, यही तो काम किया हमने, बस इसी को एक नए तरीके से लिख दिया। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और फिर से 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमने एक ट्री की फॉर्म में लिख दिया, और ये लिखने के बाद में इनको, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया। तो देखो यहाँ इन तीनों को ही 2 2 2, तो 2³ बन गया × 3, इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक नया, मतलब फैक्टर ट्री एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो एक सवाल और करते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा, फिर ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोग खुद ट्राई करके देखना। फैक्टर ट्री इसमें एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, बड़ा नंबर जब आता है तो किससे होगा किससे नहीं होगा, बड़े बड़े नंबर में डिवाइड नहीं कर पाता है, वो बीच में अटक जाता है, तो उस टाइम पर टाइम लग जाता है, और ये एक नंबर में आएगा कभी आएगा तो इसलिए हमारे को अच्छे से पहले से प्रैक्टिस होगी तो कभी भी अटकने का चांस है बिल्कुल भी, वो खत्म हो जाएगा। तो इसका फैक्टर ट्री की हेल्प से हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है इसको। तो 4095, तो सबसे पहले तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर को इवन होना पड़ेगा जो कि नहीं है, लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से तो नहीं होगा, तो 3 से कैसे पता करें, इन सब का सम करो, 4 + 9 = 13 + 5 = 18, 18 में 3 का होता है इसका मतलब इसमें भी होगा, तो 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा, 1 टाइम डिवाइड होगा 1 बचेगा, 3 टाइम डिवाइड होगा 1 बचेगा, 6 टाइम डिवाइड होगा 1 बचेगा 5, 1 3 6 5, क्या फिर से 3 से हो रहा है, चेक कर लो, इन सब का सम कितना आ रहा है, 6 और 5 11 + 3 14 + 1 15, यानी 3 से फिर हो सकता है, 3 से करेंगे देखो 1 में होता नहीं, 13 में करेंगे तो कितनी बार होगा, 4 टाइम बचा 1, 16 में 5 टाइम, फिर से 5 टाइम। अब इन सबका सम कितना आ रहा है, अब सबका सम आ रहा है 14, तो 14 के अंदर तो 3 का डिवाइड नहीं होता, तो अब 5 से सोचेंगे, तो 5 से कितनी बार होगा, 4 में नहीं होता, 45 में 9 टाइम होगा और 5 में 1 टाइम। अब 91 में 7 का डिवाइड होता है 13 टाइम, और 13 के अंदर किससे डिवाइड होगा, 13 से ही होगा 1 टाइम। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिखेंगे तो क्या होगा, 4095 इजिकल हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 7 × 13, तो ये क्या हो गया, 3² × 5 × 7 × 13, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये आप लोगों को दिख रहा है ध्यान रख लेना, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, मे बी शायद ये स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इसको आप ट्राई करना, नेक्स्ट स्लाइड पे हम और टाइप के सवाल करके देखते हैं कि किस तरीके से और सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि फैक्टर ट्री पे और किस टाइप के सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले ये एक सवाल, इस टाइप के सवाल आते हैं जिसके अंदर वो एक फैक्टर ट्री खुद बना के दे देता है, और उसके अंदर से कुछ जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कर देता है, वो यहाँ से हटा देगा, और हटा के हमारे को मिसिंग नंबर्स के बारे में पूछेगा कि भाई ये नंबर्स क्या होंगे। अब हमें ध्यान रखना है, अगर हम
फैक्टर ट्री के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो हम डिवाइड करते हुए आते हैं, और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। सिंपल सी बात है। देखो जैसे कि हमारे को एक क्वेश्चन में सीबीएसई बोर्ड 2015 के अंदर आया हुआ सवाल है, सोल्व करके देखते हैं इन दोनों सवालों को, फिर ये सारे सवाल आप लोग घर पे ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि इनके आंसर्स क्या है। क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, इस फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है और हमारे को ये वाला एक्स वाला जो कॉम्पोजिट नंबर है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। ये वाई कैसे आया होगा? 5 से डिवाइड किया होगा, 13 टाइम हुआ होगा तब वाई बना होगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो 5 मल्टीप्लाई 13 करने पे वापस से क्या बनेगा? वाई। तो हमारे पास वाई कितना बन के आ गया? 65। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ऊपर बढ़ते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक्स बना होगा। तो हम बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 195, ये करने पर एक्स की वैल्यू आएगी। तो वो कितना हो जाएगा? 195 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 5 से करेंगे 5, 15 का 5 कैरी 1 आ गया, 9 3 27 1, ये कितना हो गया? 200 200 200, आप डायरेक्ट करके देख लेना, ये हो जाएगा हमारा 585, हमारा इसका आंसर आ गया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। एक और करके देखते हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड 2015 में ही आया हुआ सवाल है। कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, वापस से इसको कंप्लीट करना है और हमारे को ये वाला कॉम्पोजिट नंबर एक्स बताना है। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। देखो अब यहां 7 और जेड को मल्टीप्लाई करने पर 371 आया होगा। तो हम बोल सकते हैं 7 मल्टीप्लाई जेड अगर करेंगे तो कितना बनेगा? 371। तो हमें तो जेड निकालना है ना, तो 7 इधर आके किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। तो 371 डिवाइड बाई 7, 7 से कितने टाइम? 5 टाइम कट गया, 35, और 2 बचा 21 में 3 टाइम, यानी जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 53 आ गई। अब हम और ऊपर बढ़े तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक्स बना होगा, तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें उससे पहले वाई चाहिए होगा क्योंकि वाई भी नहीं पता एक्स भी नहीं पता। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? वाई, यानी 3 मल्टीप्लाई 1855, इसको मल्टीप्लाई करने पे वाई बनेगा। तो यहाँ से वाई क्या निकलेगा? 3 5 जा 15 कैरी 1 आया, 3 5 जा 15 1 16 कैरी 1 आएगा, 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी 2 आएगा, और 3 1 जा 3 और 2 5। तो वाई की वैल्यू पता चल गई हमारे को। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? ये आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 5 5 6 5, ये कितना होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। तो एक्स कितना हो जाएगा? इसका डबल करना है हमारे को। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 2 जा 12 और 1 13 कैरी 1 आया, 5 2 जा 10 और 1 11 कैरी 1 आएगा, 5 2 जा 10 और 1 11, तो ये हो गया 11130 हमारे एक्स की वैल्यू हो गई। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही 3-4 सवाल आप लोगों के लिए है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके अंदर क्या करना है। हमारे को मिसिंग नंबर है ABCD, 4 मिसिंग है, ध्यान रखना। तो क्या करना है? नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, आप किधर से भी आ सकते हो। जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा पाओगे क्योंकि दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता, तो कहीं बीच में से शुरू करना है। इसको इससे डिवाइड करने पे ये आएगा, तो यहाँ से भी आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसे ए निकाल सकते हैं। अब लास्ट में जो आएगा उसको आप सोचना, इसका आंसर मुझे कॉमेंट करके बताना कि भाई क्या आता है। ऐसे ही 2 और क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी है। जैसे कि यहाँ पे ये वाली फ्रिक्वेंसी मिस, ये है सीबीएसई बोर्ड 2014 में आया हुआ सवाल है कि यहाँ पे इसको क्या कर दिया, गायब कर दिया, तो यही हमारे को निकालना है। ऐसे यहाँ पे एक्स वाई निकालना है, यहाँ पे भी हमारे को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, जिसको हम शॉर्ट में FTA भी बोल देंगे। अब ध्यान से समझना, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, बस यहाँ पे एक नए टॉपिक का नाम देके इसको बस एक्सप्रेस कर दिया गया। हमने पढ़ा था, जब कॉम्पोजिट नंबर्स हमने पढ़े थे वहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो कुछ अलग चीज़ नहीं है। तो उसी लैंग्वेज को यहाँ लिखा है, देखो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को
फैक्टराइज किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, मतलब कोई और तरीका नहीं है इसको लिखने का। केवल ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि 2 × 3 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, अदरवाइज 2 × 3 को और किसी और तरीके से क्या नहीं कर सकते हम लोग, फैक्टराइज करके नहीं लिख सकते प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो अभी मैं करके बताता हूँ, देखो। तो बस ध्यान रखना, ऑर्डर को छोड़ के ये यूनिक होते हैं। अब मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो कुछ ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मान लो सी एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसको हमने फैक्टराइज किया, तो ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स के फैक्टर बने, उनकी कुछ पावर थी। मान लो जैसे P1 की पावर कुछ है, जैसे कि 2 की पावर 3 आ गई, ऐसे 3 की पावर समथिंग मान लो 5 हो गई, 5 की पावर 2 हो गई। तो यहाँ पे देखो P1, P2, P3 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और C हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब करके देखते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 6 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 या फिर हम 3 × 2 लिख सकते हैं, ऑर्डर बदल सकते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखने का। आप बोल सकते हो कि भाई 6 × 1 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन 6 और 1 प्राइम थोड़ी ना हुए। तो प्राइम की फॉर्म में लिखने का ये केवल एक यूनिक तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो इसको हम 2 × 2 × 3 या फिर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 × 3 × 2, ऑर्डर बदला जा सकता है। बस 2 × 3 × 2, बस ऑर्डर बदला गया है यहाँ पे, लेकिन लिखने का तरीका ये यूनिक है। ऐसे 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3 यानी कि 2 × 3 × 3। ऐसे 100 को अगर करके देखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 और 5 तो हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स है, और 100 क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये हमारे एक्सपोनेंट्स हो गए। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे ही क्या बोला जाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोला जाता है। आगे जाके इसके हम एप्लीकेशन भी सीखेंगे लेक्चर 2 के अंदर, या पार्ट 2 बोल सकते हो उसके अंदर। उसके अंदर हम लोग LCM और HCF निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी हम एक सवाल करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये मैक्सिमम चांसेस है कि पेपर के अंदर आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या है, 2015 में आया हुआ भी है पहले, कि हमारे को वो इस टाइप का कोई नंबर लिख के दे देगा। ऐसे एक दो सवाल और मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को करवाने वाला हूँ कि ऐसे लिख दिया 3 × 5 × 7 + 7 एक कॉम्पोजिट नंबर है, कारण बताओ व्हाई, क्यों है। अब कभी भी कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करना है तो दिमाग में बिठा लो हमारे को दो चीजें प्रूफ करनी है। या तो हम लोग ये प्रूफ कर दें कि उस नंबर के 2 से ज्यादा क्या है? फैक्टर। 2 से ज्यादा फैक्टर होने का मतलब ही यह है कि वो एक के और खुद के अलावा किसी और से भी क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये मैं ऑलरेडी करवा भी चुका हूं। दूसरी चीज ये भी तो प्रूफ कर सकते हैं, अगर हमने उस नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया, तो भी समझ जाओ कि वो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। यही तो अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में सीखा है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम लिख पा रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में प्राइम नंबर्स के, तो समझ जाओ वो नंबर कौन सा है? कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमारा मेन टारगेट यही है, तो हम कोशिश करके इसको ये करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 × 5 × 7 + 7 आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है। ये थोड़े टाइम के लिए इसको मैं x मान लेता हूं। देखो अब मुझे बताओ ये नंबर 1 से डिवाइड होगा क्या? डिवाइड बाय 1 होगा, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर हो 1 से तो डिवाइड होता ही है। ये इस नंबर का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा जो कि x है, और ये नंबर किससे भी डिवाइड होगा? x से भी डिवाइड होगा।
पहले समझा रहा हूँ ना कि लैंग्वेज में कैसे लिखना है, वो भी मैं बता दूंगा। अब अगर ये किसी वन और एक्स के अलावा इसका कुछ रिजल्ट आएगा, वैसे तो आसान ही रिजल्ट होगा, मैं करके भी बता देता हूँ। 75 जा कितना हो गया 35, 35 3 जो 105, उसमें 7 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 112। यानी कि ये नंबर 1 से और 112 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब किसी और से भी डिवाइड हो रहा है क्या, देखो इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया। इधर तो बच गया 3 × 5 और यहाँ बच गया 1। अब ये नंबर मल्टीप्लाई में बाहर 7 चल रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 7 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि बाहर 7 है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर कुछ रिजल्ट आ क्या हमारा निकल के आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है ये 1 और 1 खुद के अलावा किसी और नंबर यानी 7 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इस वजह से हम बोलेंगे कि ये नंबर क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। एक तरीका तो ये है, यानी कि मोर देन टू फैक्टर्स प्रूफ करके हमने इसको कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ कर दिया। एक तरीका ये भी, आप पहले पूरा नंबर निकाल लो, लेकिन इसमें अगर मान लो ये तो छोटा सा था 112 आ रहा है, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा सा दे दें तो क्या करोगे, तो फिर यहाँ पे x मान के हम कर सकते हैं कि भाई ये नंबर x है, तो मान लो कि कुछ इसका रिजल्ट होगा x, जो कि खुद से डिवाइड होगा ही होगा, 1 से डिवाइड हर एक नंबर होता है, और हमने यहाँ पे कॉमन निकाल के इससे भी डिवाइड कर दिया है। इसके मोर देन क्या हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो समझ जाओ कि ये नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर मान लो कि डायरेक्ट 112 नंबर दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए इसको क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 56 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 28 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, और इसको हम 2^4 × 7 लिख सकते हैं, यानी कि 16 × 7 हाँ 112 हो जाएगा ही। तो हम बोल सकते हैं देखो प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स है दोनों, तो हमने प्राइम नंबर्स की यहाँ पे 7^1 है उसकी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया, और इस वजह से ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जब कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमें या तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स प्रूफ करने हैं, या फिर हमारे को इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताना है। अगर हम ये दोनों काम कर पा रहे हैं तो समझ जाओ कि वो नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। इसी को अपनी लैंग्वेज में लिख देना, इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम एक दो सवाल और देखते हैं, और इसी के साथ फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए दो सवाल है जो अभी हमने पैटर्न सीखा है उसके ऊपर, तो ये आप लोग खुद करके देखना, ठीक है। कोई अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसको वापस से अलग से एक वीडियो बना के इसका मैं सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। वैसे तो कोई डाउट नहीं आएगा क्योंकि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखो क्या करना है, शो करके बताना है कि ये जो दो गिवन नंबर्स है ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स है। तो ये वाला तो आसान है, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि 13 कॉमन आ रहा है, तो 7 × 11 + 1 बच जाएगा, तो फिर वही एक्सप्लेन करके लिख देना, ठीक है, अपने वर्ड्स में। यहाँ देखो आप लोगों को कुछ कॉमन नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 101 चल ही रहा है, प्लस में 4 चल रहा है। अब हम 4 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ तो 3 × 3 × 101 + 1, तो यहाँ देखो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये दोनों सवाल आप कर सकते हो, ये CBSE 2015 में आया हुआ है, ये 14 और 15 इन तीनों सालों में पूछा हुआ है। अब हम लोग दो क्वेश्चन और करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखो CBSE में 2020 में पूछा हुआ है, और राजस्थान बोर्ड के अंदर 2018 और 23 में 2 बार आ चुके हैं, और ये एक सवाल है जो कि 2014 के अंदर पूछा हुआ है, जो कि CBSE में आया हुआ है। तो अब देखो करके देखते हैं, पहले सवाल को ध्यान से समझना जरूरी है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होती है तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, तो पहले तो सवाल को समझ के उसके जो की पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन कर लेना है। ये अलग बात है कि पेपर में मैं भी शायद अलाउ नहीं होता होगा, जो हमारा पेपर होता है उसके अंदर लिखना, लेकिन हमें छोटा छोटा जैसे कि हमने अंडरलाइन कर लिया या फिर हमने क्या कर लिया, डॉट लगा लिया, तो हमें क्या फाइंड करना है, सम निकालना है एक्सपोनेंट्स का। अब कौन सी एक्सपोनेंट्स का, ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, यानी कि 196 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद में इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे, यानी उनकी जो पावर होगी, जैसे 2 × 3
3 मल्टीप्लाई 5 और इनकी कुछ पावर है एक्स वाई जेड मान लो, तो हमें इन प्राइम फैक्टर्स के पावर्स का सम निकालना है। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 98, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 49, फिर से 7 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम, 7 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 से डिवाइड किया 98, 2 से डिवाइड किया 49, 7 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वो कितना आ गया, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 2। लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पूछा, हमें पावर्स का सम पूछा है और प्राइम फैक्टर्स के पावर्स का सम। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से है, 2 7 है यहां पे, तो उनकी पावर्स कौन कौन सी है, 2 है और 2 है, तो इनका हमें सम निकालना है। तो जो कि 4 आएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। आगे क्या पूछा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, हमें पी की वैल्यू निकालनी है और क्यू की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द फैक्टराइजेशन ऑफ 2520, यानी 2520 का जो फैक्टराइजेशन है कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मतलब जब हम इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे तो 2 to the power 3 बनेगा, 3 की कुछ पावर बनेगी p, मान लो यहाँ पे गिवन है जो हमें फाइंड करना है, साथ में एक और फैक्टर बनेगा q और एक फैक्टर 7 दे रखा है, तो हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। ये CBSE में 2014 में आया हुआ सवाल है, तो हम करके देखते हैं। पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 2 टाइम, 6 टाइम, 0 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 6 3 0, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 3 1 5, अब 2 से नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 0 5, 105 बार। अब क्या फिर से 3 से हो रहा है, फिर से 3 से हो रहा है 35 टाइम, फिर अब 5 से हो रहा है 7 टाइम और 7 से हो रहा है 1 टाइम। तो हमने जो फैक्टराइजेशन किया इसका, वो क्या निकल के आएगा, 2 पावर 3 होगा, 3 पावर 2 होगा और 5 होगा और 7 होगा, और ये गिवन कितना है, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर p मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई 7। अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करता हूँ इन दोनों को, तो कंपैरिजन करने पे साफ साफ दिख रहा है 3 की जगह पे तो p आ रहा है, इसका मतलब सॉरी 2 की जगह पे तो p आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं p की वैल्यू तो कितनी होगी, 2 होगी, और इस 5 की जगह पे यहाँ पे q है, तो हम बोल सकते हैं q बराबर कितना है, 5 होगा। आई होप ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता देना कि भाई हमारे को ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया कि सर आप हमें वापस से एक्सप्लेन कर लीजिए, या कोशिश करना कि रिवाइंड करके देखें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आप लोगों को देखने से पहले उसको सुनने में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब सुनोगे चीज़ों को तो बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही आप लोगों की क्लियर होती जाएगी। और साथ में हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं, अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तो ये सारी चीज़ें अभी के लिए तो हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए, लिखी हुई नहीं रहेगी, तो लास्ट टाइम रिविजन करने के लिए जब आप लोगों को सारे नोट्स एक जगह चाहिए होंगे तो आप लोग अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे उनको, और ऐसा लगेगा कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, और केवल बिना पढ़े हुए इस तरीके की कंडीशन में आप पेपर में बैठोगे तो पेपर के अंदर देखते ही सारी चीज़ें पहले ही भूल जाओगे, अगर थोड़ी बहुत आती होगी तो भी। तो आई होप और भी कोई, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को लगता है कि हमारे को इसके अलावा कोई और चैप्टर पढ़ना है पहले, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको भी पहले कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे से डाल दूँ। हम कोशिश करेंगे इसको, मैंने वैसे तो 3 लेक्चर्स का बोला है कि 3 लेक्चर्स के अंदर कोशिश करूंगा कि इसको ख़त्म कर दूं, अगर नहीं कर पाता हूं तो 4 लेक्चर्स के अंदर क्या होगा, ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर भी ट्राई करूंगा 3 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि अगले आने वाले दोनों लेक्चर्स की ड्यूरेशन थोड़ी सी और बढ़ सकती है, और फिर मैं इन तीनों लेक्चर्स को कंबाइंड करके एक सिंगल लेक्चर भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, वन शॉट वीडियो हो जाएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर करना है। जय हिंद।